In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I am Usman Abdullah and I am here to discuss sludge analysis. Sludge, it's a very new term for you guys. Sludge analysis के ऊपर हम बात करेंगे तो sludge analysis में contents के अंदर सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा What is sludge? Give the composition of the sludge. Sludge के अंदर कौन कौन सी चीज़ें present है, कौन कौन से nutrients present है. Dispose of sludge. Sludge को हम किस तरह से dispose of कर सकते हैं हम. Applications of sludge to the soil. क्या sludge का ज़मीन को कोई फ़ायदा है या नहीं है. Why is maybe hazardous? इसका नुकसान क्या है. फिर analysis of sludge. Sludge की हम सबसे पहले नंबर पे definition को understand करते हैं कि the residue that accumulates in sewage treatment plant. ये सीवेज से मुराद यहाँ पे हमारे पास मुराद गटर वगैरह है, उनकी ट्रीटमेंट से जो हमें चीज़ मसूल होती है, जो मिल जाती है, उसको हम कहते हैं स्लज. स्लज बेसिकली बायोसॉलिड होता है. सीवेज स्लज इज द सॉइल सेमी सॉलिड और स्लरी रेजिडुअल मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस एज अ बायो प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस. दिस रेजिड्यू इज कॉमनली क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्लज. इसके नोट्स में आप देखेंगे तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी स्लज की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी. उसके बाद आप देखते हैं कि 2 से 3 लीटर स्लज जो है हर बंदा डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करता है. तो आप क्वांटिटी का अंदाज़ा लगा लें कि अगर 2 से 3 लीटर पर पर्सन प्रोड्यूस करता है तो 16 करोड़ आबादी के अंदर ये स्लज की क्या वैल्यू होगी. अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2% ऑफ द वेस्ट वाटर एंड्स अप एज वेट स्लज. द टोटल ड्राई स्लज कॉन्टेंट ऑफ स्लज वेरीज बिटवीन 0.25% to 12%. 60 to 70% ऑफ दी सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर से क्या मुराद है, वो जो वेस्ट है जो हम इन द फॉर्म ऑफ फीसिस या किसी भी फॉर्म के अंदर ह्यूमन बीइंग्स या जानवर कोई भी इसमें प्रोड्यूस करता है तो वो स्लज की फॉर्म में हमें मिलता है. ये स्लज की एक एग्जाम्पल है आपके पास, ये ड्राइड सीवेज स्लज है. अमंग द मोस्ट हार्मफुल कंपोनेंट्स ऑफ स्लज आर. जो कंपोजिशन ऑफ स्लज में है, स्लज में बहुत से नुकसानदेह भी हैं. चूँकि ये गटर वगैरह से निकल रहा है तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा. स्लज इज कम्पोज लार्जली ऑफ हाईली पोल्यूटिंग सब्सटेंसेज. सब्सटेंसेज जो इसको पोल्यूट कर रहे हैं उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा होगी. हार्मफुल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर. पैथोजेंस, पैथोजेंस वो होते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआज, एग्स ऑफ पैरासिटिक वर्म्स. टॉक्सिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. जहरीले मवादे प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको पता है फीसिस के अंदर अमोनिया एक खासी मकदार में प्रेजेंट होता है, जो कि वैसे बॉडी के अंदर रहे तो वो टॉक्सिक होता है. टॉक्सिक हैवी मेटल्स इन हाई कंसेंट्रेशन एंड कैन एक्सीड 1000 मिलीग्राम पर किलोग्राम. टिपिकल केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर स्लज, यहाँ पर ये दी हुई है केमिकल कंपोजिशन, इसको आप देख सकते हैं. लेड कितनी मकदार में मौजूद होता है, पीएच को कितना देखना है, आयरन को कितना देखना है, इन सब की वैल्यू गिवन इन द टेबल. Applications of sewage sludge to the soil. क्या हमें स्लज जो है वो मिट्टी के ऊपर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात का जवाब हम देंगे. It is generally applied to agricultural soil. यानी कि जहाँ पे काश्तकारी करनी है वहाँ पे अमूमन ये देखा गया है कि गटर का पानी जो है वो लगा दिया जाता है सब्जियों को, डिफरेंट ज़मीनों को, ताकि वहाँ पे yes. उसका माइनर सा फ़ायदा है लेकिन इसका ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि ये वेस्ट होता है, इसमें बहुत से ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं. इसलिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो जारी बात है उनका कुछ ना कुछ असर जो है वो आपके पास उन सब्जियों में, गाजरों में, मूलियों में, इन सब चीज़ों में आ जाएगा और उसका हमें नुकसान होता है. फॉरेस्ट सॉइल, डेडिकेटेड लैंड एंड डिस्पोजल साइट्स. ऑल्सो यूज एज सॉइल कंडीशनर. ये सॉइल के कंडीशनर के तौर पर भी यूज़ होता है, सॉइल को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है. वेजिटेबल गार्डन्स, लॉन्स, गोल्फ कोर्सेज और पार्क, इन सब में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. पर्पस ऑफ सॉइल एप्लीकेशन, क्यों अप्लाई करते हैं. टू प्रोवाइड अ पार्शियल रिप्लेसमेंट फॉर एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर. बार दफ़ा ऐसा होता है गाँव में, हमने ये देखा है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते. जैसे गाय वगैरह का फीसिस जो होता है वो उसको एज अ फर्टिलाइज़र वहाँ पर इस्तेमाल कर देते हैं, तो एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र को बचाने के लिए वो इसका इस्तेमाल वहाँ पर कर देते हैं. रीज़न, स्लज कंटेन मैनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ. इसकी वजह यह है कि देखा गया है कि वाकई कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है इसको अप्लाई करने का, उनकी प्लांट की ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है. टू फर्दर ट्रीट द स्लज,
सनलाइट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंबाइन टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस एंड मैनी टॉक्सिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगर आपने करना ही है, अगर आपने स्लज का इस्तेमाल करना ही है, तो आप ऐसा करें कि आप उसको थोड़ा देर धूप में सुखा लें और उसके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ कंबाइन कर लें, तो उससे क्या होगा कि पैथोजेंस और ज़्यादा ज़्यादा जो टॉक्सिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं वहाँ, जो जानवर वहाँ पे खाता इन जगहों पे जाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, तो वो अगर वो क्लोरीनेटेड हो गए तो वो अगर वो खा जाएंगे तो नुकसान पहुँचेगा। द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ स्टेबलाइज सीवेज स्लज इज नाइट्रोजन 3.3%, फॉस्फोरस 2.3%, पोटेशियम 0.3%। स्लज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। पी एंड के कंटेंट्स मे बी टू लो फॉर सम एप्लीकेशंस। सूटेबिलिटी ऑफ स्लज, स्लज की सूटेबिलिटी क्या है कि आपने अगर अप्लाई करना है स्लज को किसी सॉइल के ऊपर, तो आप सबसे पहले नंबर पे उसकी वैल्यू करें, उसको असेस करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अगर ये स्लज डालेंगे तो उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इन सारी बातों को जब आप क्लैरिफाई कर लें तो फिर आप उस स्लज को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ सीवेज स्लज इंक्लूड्स सॉइल एप्लीकेशन, लैंडफिल्स, लॉगिंग, इंसिनरेशन, डिस्पोजल एट सी। Once the sample is ready, the recommended procedure available in the literature are followed by the specific analyte. Thank you so much. If you find any question, you can ask in the comment section. Allah Hafiz.